सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का स्वागत है साडे चैनल पंजाबी क्लास विच। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पंजाबी ए ते पंजाबी बी दसवीं क्लास के जिहड़े साडे पेपर हैं उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाए जाण। सो दोस्तों असीं तुहाडे लई लैके आए हाँ पंजाबी ए जमात दसवीं का जिहड़ा विशा है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो दोस्तों शुरू करते हाँ, सारे ही क्वेश्चन आंसर तुहाडे लई लैके आए हाँ। तो सब तो पहला करांगे वार्तक भाग। सो पहला पाठ है बाबा राम सिंह कुका सरदार कपूर सिंह वालों। सो पहला प्रश्न, केड़ी जत्थेबंदी नामधारी या कुकियां दी जमात अखवाई ते इस दा प्रचार किवें होया? उत्तर लगभग 40 शब्दों विच लिखो। सो ये 40 शब्दों वाले जिहड़े हन प्रश्न वो हन, सो सारे दे सारे उही हन, चार अंक पेज विच आणगे, सो ध्यान नाल जरूर देख लैणा। एक वारी सो इसका उत्तर है, जग्यासुआ अभ्यासियां दी जत्थेबंदी समा पा के नामधारी जां कुकियां दी जमात करवाई। जदों इन्हां दे उपदेशां दा प्रचार सारे इलाकियां विच फैल गया तां शरधालू बाबा राम सिंह कोल अपना दसवंद भेजण लगे अते बाबा जी उन्हां प्यासियां नाल लंगर दी सेवा करन लगे। अगे प्रश्न नंबर दो, बाबा राम सिंह जी ने जो उपदेश दिते उन्हां नूं संखेप विच लिखो। उत्तर लगभग 40 शब्दां विच लिखो। उत्तर, बाबा जी दे उपदेश हन कि अपनी शरीरक स्वच्छता दे नाल रहनी बहनी भी स्वच्छ रखो, वहमा भरमा तो दूर रह के जीवन बतीत करो, स्त्री मर्द दी समानता, आत्मा नूं धार्मिक पक्ष तो तकड़ी करन दे देश ते लोकां नाल देसी ते विदेशी हुकूमत तो बचना है। प्रश्न नंबर तीन, बाबा राम सिंह ने स्त्री की भलाई लई की उपदेश दिते? ये भी लगभग 40 शब्दों विच लिखो। उत्तर, बाबा राम सिंह जी ने कुड़ियां ते इस्त्रियां दी भलाई लई कुड़ियां मारन वांग ही पालन पोषण पढ़ाउण उते जोर दिता। लेखक अनुसार उन्हां दा इह काम सी उन्हां नूं संसार दे श्रोमणी सुधारकां दी सद विच खड़ा कर दिता है। अगे प्रश्न नंबर चार, बाबा राम सिंह नूं बाबा क्यों कहा जाता है? उत्तर, बाबा राम सिंह कुका पंजाब विच उत्तम अकादमिक अवस्था वाले महापुरख सन, इसे करके सन्मान वजो सारे उन्हां नूं बाबा कहा जाता है। सो अगे है पाठ नंबर दो, महाकवि कालिदास प्यारा सिंह पदों वालों है। सो पढ़ने हाँ। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट लैसन है, इहदे विचों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर दे विच। सो करते हैं प्रश्न नंबर एक, शकुंतला कौन सी? उसका दुष्यंत नाल दोबारा मिलाप किवें होया? उत्तर, शकुंतला वन विच रहिंदी ऋषियां दी बेटी सी, उसका दुष्यंत नाल मिलाप हुंदा है, पर एक ऋषि दे श्राप करके उस कोलो दुष्यंत द्वारा दित्ती प्यार निशानी मुंदरी गवाच गई ते दुष्यंत उसनूं भुल जांदा है। फिर मुंदरी निकलण वाली मच्छी फड़े जाण ते मुंदरी दुष्यंत कोल पहुंची। सो बच्चो पढ़ाई विच डाउट आंदे हन, सॉल्व नहीं हो पा रहे हन, घबराओ ना। इसका सोल्यूशन है डाउट नैट ऐप। जिस भी सवाल विच तुहानूं डाउट है उसकी फोटो खिंचो, क्रॉप करो अते 5 सकिंट दे अंदर अंदर तुहानूं वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वह भी बिल्कुल फ्री विच। यानी कि तुसीं पुछ सकते हो अनलिमिटेड सवाल किते भी अते कदों भी। हुण चाहे तुहाडा सवाल क्लास 6वीं तो 12वीं IIT JEE या नीट दा होवे, जां फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या किसी भी स्टेट बोर्ड दा होवे, कोई भी सब्जेक्ट होवे, फिजिक केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, तुहाडे सारे सवालां दे जवाब मिलणगे सिर्फ डाउटनेट ऐप ते। नाल ही डाउटनेट ऐप ते चल रहियां हन क्लास 9वीं तो 12वीं IIT JEE नीट दे बच्चियां दे लई ऑनलाइन क्लासेस, जिस दा हिस्सा बन के देश दे सारे राज्यां दे बच्चे लै के आ रहे हैं रैंक 1। ता फिर आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सारे डाउट पजाओ ते टॉप रैंक ले आओ। ता उसनू शकुंतला दा प्रेम याद आया, फिर ओ दोवें मिल गए। अगला प्रश्न, कालिदास कौन सी? उसनू एनी प्रसिद्धि क्यों मिली? सो बच्चो ये इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पेपरां दे विच आ जांदा है, सो इसनू जरूर करना ध्यान नाल। उत्तर, कालिदास कविता दा महाकवि सी, उसके जन्म थां बारे कुछ पता नहीं, खोजियां मुताबक ओ ईसा तो 56 साल पहला होए बादशाह बिक्रमजीत दे 9 दरबारी रत्नां विचों एक सी। उसनू एनी प्रसिद्धि अपने सुंदर काव्य रचना करके प्राप्त हुई। अगे प्रश्न नंबर तीन, बिक्रमी संमत कदों तो केड़े बादशाह दे नाम नाल शुरू हुई? उत्तर, बिक्रमी संमत पहली सदी ईसी तो 56 ईसी पहला होए उज्जैन दे बादशाह बिक्रमजीत दे नां ते शुरू होया। प्रश्न नंबर चार, कालिदास नूं हर प्रांत दे हर जाति दे लोक अपना क्यों दसदे हन? उत्तर, कालिदास नूं हर प्रांत दे हर जाति दे लोक इस करके अपना दसदे हन क्योंकि ओह अपनी काव्य सुंदरता करके सब नूं प्यारे लगदे सन, इस करके हर कोई उन्हां नूं अपना बनाउणा चाहुंदा सी।
सो अगला लैसन है नंबर 3 मेरे वड्डे वडेरे ज्ञानी गुरद सिंह वालों है। सो इसका पहला प्रश्न है पुराने समय विच पहलवान किवें पिंड ते फतेह प्राप्त करते सन लगभग 40 शब्दों विच लिखो। उत्तर पुराने समय विच पहलवान ढोल वाले नूं लै के दिग्विजय का झंडा फड़ के चढ़दे सन। ओ इक पिंड नूं फतेह करन उपरंत दूजे पिंड उत्ते चढ़ाई करदे। उन्हां दे नाल मुंडीहर अते कई पट्ठे चांबले हुंदे। जिस पिंड ओ जांदे उत्ते उन्हां दा स्वागत पिंड दे लोक जरूर करदे। फिर ओह झंडा गढ़ के तां किसे बहादुर चोर वाले नूं आ के कुलण लई कहिंदे। अगला प्रश्न छापे पिंड वालिया ने लेखक दे वडेरिया नाल रिश्ता क्यों तोड़ लिया। ये लगभग 40 शब्दों विच लिखना है। उत्तर लेखक दे वडेरे चार बाबिया ने छापे पिंड व्याह उत्ते जाके घर वालिया द्वारा मेल लई बनाए कड़शा प्रसाद दे पूरे कड़ाहे नूं खा लिया, जिस कारण घर वाले गुस्से हो गए, उन्हां ने रिश्ता तोड़ दिता। प्रश्न नंबर 3 लोक पहलवाना दा सत्कार किवें करदे सन। उत्तर लोक पहलवाना दे स्वागत लई उन्हां नूं घिओ इकट्ठा करके दिंदे सन अते गुड़ ते कपड़िया दे थाना दियां पंडा बन दिंदे सन। नकदी भी पीरां फकीरां वांग खर्ची जांदी सी। अगला प्रश्न 4 मेरे वड्डे वडेरे पाठ विच बाबिया दी भैण दे कारनामियां दा जो जिक्र आया है उस नूं अपने शब्दां विच लिखो। उत्तर बाबिया दी इक छोटी भैण ने सिटियां दी जेड़ी पंड चुके के घर लियांदी सी, उस विच 5 मन कच्ची ज्वार निकली सी। उन्हां दी चड़िक व्याह भैण ने मुकदार दे वारी चुक के खोल विच सुट दिता, जिस नूं केवल उत्थों दे इक पहलवान तों बिना होर कोई भी चुक नहीं सी सकदा। सो अगला लैसन है 4 तुरन दा हुनर। यह है डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर वालों। पहला प्रश्न तुरन सन प्रश्न नंबर 1 तुरन नाल सानू केड़े केड़े नैतिक ते सदाचारिक गुणा की प्राप्ति होंगी। उत्तर पैदल तुरन व्यक्ति नूं शरीरक तौर ते तंदुरुस्ती मिलती है, वह सुंदर हो जाता है ते खुश रहन वाला सुभाव मनुख का बन जाता है। नैतिक तौर ते मनुख विच संतोख धीरज गंभीरता सबर सलीका ते प्रेम भाव पैदा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 अमीर घरां विच जे किसे दी सेहत ठीक हुंदी है तां नौकरां दी ही हुंदी है, इस दी व्याख्या करो। उत्तर इस कथन का भाव है कि अमीर घरां विच परिवार दे मैंबर दा कोई काम करदे नहीं, सारे काम तुर तुर के नौकर करदे हन, जिस करके उन्हां दी सेहत तंदुरुस्त। प्रश्न नंबर 3 पैदल तुरना मनुख शरीर लई किवें लाभदायक है। प्रश्न नंबर 3 पैदल तुरना मनुखी शरीर लई किवें लाभदायक है। उत्तर तुरन नाल मनुखी शरीर आरोग रहिंदा है, भुख तेज हुंदी है, उदासी खत्म हुंदी है ते स्वै विश्वास बनता है। जिन्हां नूं तुरन दी आदत हुंदी है उन्हां नूं कोई बीमारी नहीं लगदी। अगे प्रश्न नंबर 4 पैदल तुरन संबंधी यूनानी फिलोसफर दे की विचार हन। उत्तर पैदल तुरन बारे एक यूनानी फिलोसफर ने कहा है कि वेखण चलिया हां कि दुनिया कोल मैनूं सिखाउण लई की है अते मेरे कोल दुनिया नूं सिखाउण लई की है। सो अगे आंदा है कहानी भाग। सो शुरू करते हां। बम बहादुर ए गुरबख्श सिंह वालों है। पहला प्रश्न बम नूं माता दीन नाल किस गल्लों ईरखा सी। उत्तर बम माता दीन नाल ईरखा नहीं करदा सगों गुस्से अते नफरत करदा सी, क्योंकि ओह उस दे रातब विच चोरी करदा सी, उस तो उसका हक खोंदा सी। ओनू इस गल नाल ईरखा सी कि माता दीन दे वितकरे करके महाराज दे शिकार खेडन लई जाण समय उस दी थां किसे होर हाथी नूं मिल गई सी। प्रश्न नंबर 2 तेरी सुची हवानियत नूं चोर इंसानियत दियां शाजदां तों मैं बचा के रखांगी। महारानी दे इन्हां शब्दां तों की भाव है। उत्तर महारानी दे इस शब्द तों इह भाव निकलदा है कि ओह माता दीन दे अंदर वसी चोर हवानियत तों बम दे अंदर वसी प्यार दी भुखी इंसानियत नूं बचा के रखेगी, किसे नूं उस नाल माड़ा वर्ता नहीं करन देवेगी। सो इस लैसन विचों है एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन महाराज ते महारानी दा बम बहादुर प्रति वर्ताव किया जा सी। उत्तर नाराज होए बम बहादुर नूं महारानी ने किवें अपने वस विच कीता। सो इह दो प्रश्न हन, इत्थे आंसर नहीं लिखे हन पर तुसीं जरूर पढ़ लेना। अगे है नंबर 2 बागी दी धी, यह है गुरमुख सिंह मुसाफर वालों। सो दोस्तो अक्सर ना पेपरां दे विच कहानीकार या लेखक दा जिहड़ा है ओह ना पुछया जांदा है, सो इस करके इत्थे नाल ही लिखे हुए हन। सो जरूर याद रखना केड़ी कहानी या केड़े लेख दा लेखक कौन है, ठीक है। सो अगला प्रश्न वीरां वाली दी मौत दा कारण की सी।
पुत्र अपने पति दे हठ अगे पेश ना जान करके वीरां वाली हंजुआ भरियां अखां नाल लाज नूं गली विच खेडदियां छड के पति नाल चली गई सी। फिर जदों एक साल ते दो महीनियां मगरों वीरां वाली दी कृष्ण सिंह नाल जेल विच मुलाकात होई अते कृष्ण सिंह ने लाज बारे पुछया। उसने कहा कि ओ ता उस कोल अमानत छड आए सन ता वीरां वाली दे मन उत्ते डूंघी सट लगी सी। उसने अपने पति कोल कृष्ण सिंह नाल होई मुलाकात दा राज भी लुका लिया सी, पर भरा दी अमानत नूं संभालणा दा सदमा ओ सह ना सकी अते सदमे नाल मर गई। अगला प्रश्न दो, पुलिस इंस्पैक्टर नाल जान समय कृष्ण सिंह दा ध्यान किस गल वल सी ते क्यों? उत्तर, कृष्ण सिंह दा पुलिस इंस्पैक्टर नाल जान समय ध्यान लाज दी बीमारी ते अपनी पत्नी वल सी। जे उसदी पत्नी घर विच होवे तां लाज दा ध्यान रखेगी, पर उसनू पता नहीं सी कि उसदी पत्नी भी इस्त्रियां दी मीटिंग विच हिस्सा लैण गई सी। सो दोस्तों, इसे लैसन दा एक दो प्रश्न होर ने इंपोर्टेंट। एक है, खुशनाक सिंह अपने साले दी धी लाज नूं अपने घर विच क्यों नहीं सी रखना चाहुंदा। तेरा दूसरा, पिता दे जे जान ते लाज ने अपने द्वारा लाज ने अपनी भूआ वीरा वाली नूं की कहा। सो ये भी तुसीं देख लेना। अगे है कहानी नंबर तीन, धरती हेठला बल्द। लेखक हैं कुलवंत सिंह विरक। पहला प्रश्न है, मान सिंह ने करम सिंह दे बापू नूं धरती हेठला बल्द क्यों कहा है? उत्तर, करम सिंह दे बापू ने मान सिंह नूं दस्या सी कि करम सिंह दी मौत दस कि मान सिंह दी छुट्टी खराब नहीं सी करना चाहुंदा। ए सुन के उसदे पिंड वापस जांदे मान सिंह दे रस्ते दे माझे वाले पिंड दुआले बने किले कोट देखे ते थां थां बड़ियां शहीदां दियां समाधां देखियां तां उन्हें सोचिया कि इन्हां बहादुर वीरां दियां लड़ मरन दियां कहानियां दसियां हन, पर बापू इन्ना सहनशील क्यों है? ओ होरां नूं चिंता तो दूर रखन लई सारा दुखां दा भार अपने उत्ते लै लैंदा। उसनूं महसूस होया कि करम सिंह दा बापू भी बल्द वांग है जो सब नूं सुख देण लई धरती दा भार चुक दुख भर रहा है। अगला प्रश्न नंबर दो, करम सिंह दा सुभाअ किहो जिहा सी? उत्तर, करम सिंह धरती हेठले बल्द कहानी दा महत्वपूर्ण पात्र है। ओ फौज विच हौलदार है। मान सिंह उसदा मित्र है। ओ परिवार नाल मोह रखण वाला पक्का निशानची सी। दूजी वड्डी जंग समय बर्मा विच जवानियां विरुद्ध लड़दा मर गया। कहानी दे अंत विच उसदी मौत कहानी नूं दुखांत रंग दिंदी है। सो दोस्तों, इस तो अलावा इसे लैसन दे दो प्रश्न हन। पहला प्रश्न है, डाकिये नूं देख के करम सिंह दे बापू दे मन विच की विचार आए? दूसरा है, मान सिंह अपने मित्र करम सिंह दियां रज के गल्लां क्यों करनियां चाहुंदा सी? तो एक बारी इन्हां नूं देख लेना। अगली कहानी है नंबर चार, एक पैर घट तुरना। इसकी लेखिका है अजीत कौर। सो पढ़ते हां पहला प्रश्न, रशीद ने दफ्तर दी नौकरी तो इस्तीफा देन लई क्यों सोचिया? उत्तर, रशीद ने दफ्तर दी नौकरी तो इस्तीफा देन लई इस करके सोचिया क्योंकि मैदे विच कैंसर होने कारण डॉक्टरां ने उसकी उम्र 6 महीने ही दसी सी ते ओह एह वक्त शहर दे रौले ते दरियागंज दे घुरने दी थां पिंड विच जाके अपनी पुरानी ते पक्की हवेली दी खुली हवा विच अपना मन अनुसार बतीत करना चाहुंदा सी। प्रश्न नंबर दो, रसीद बचपन दियां सेवरां नूं याद करके की वर्णन करदा है? पुत्र, रसीद बचपन दियां सवेरां नूं घरों बाहर जाके किक्कर दियां दातणां लियाउणा ते घर आके सारिआं नूं इक इक दातण दिंदा। इह सवेर दियां गल्लां नूं याद करके रसीद दा दिल कूड़ा हुंदा। सो इसे ते दो होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हन। प्रश्न एक, रशीद अपने पिंड जाके किवें रहना शुरू करदा है? दूसरा, रशीद अपने बीमारी तों राहत पाउण लई की शौक पालदा है? सो दोस्तों, ये जिहड़े तुहाडे हन ये पंजाबी ए दे जिहड़े हन दसवीं जमात दे उहदे विचों प्रश्न उत्तर हन। सो वीडियो नूं सारी देखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हन। जल्दी ही नवीं वीडियो विच मिलदे हां।